हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज वीडियो में क्या होने वाला मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। आज मैं चार ऐसे बेस्ट मिडकैप म्यूचुअल फंड आपके लिए लेके आया हूँ, वो वाकई में 2021 के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। देखो, 2020 में सबसे ज़्यादा चलने वाला म्यूचुअल फंड, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को खुश करने वाला म्यूचुअल फंड मिडकैप और स्मॉल कैप कैटेगरी से देखा गया। 2021 में भी मिडकैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ SIP में कुछ अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे चार बेस्ट मिडकैप म्यूचुअल फंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन कौन कौन सा पैरामीटर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, सबसे पहले मैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहाँ पे देखा हूँ। क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में मार्केट में गिरावट होने के बाद भी कम गिरावट देखा जा सकता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन को सबसे पहले मैंने कवर किया। दूसरा, मैंने कंसिस्टेंसी रिटर्न देखे हैं कि क्या वैसे म्यूचुअल फंड जो 17-18% का रिटर्न हमेशा मेंटेन करें एनुअल बेसिस पे, वैसे म्यूचुअल फंड को आपके सामने मैं ले आके यहाँ पे रखा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे लमसम रिटर्न की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज के डेट में मैं नहीं एडवाइस करता इन्वेस्टर को कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आप लमसम करो, गिरावट में आप कर सकते हो। तो मैं सिर्फ आज SIP के रिटर्न पे फोकस करके आपके सामने यहाँ पे चार बेस्ट मिड कैप लेके आऊँगा। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, देखो मिड कैप में रिस्क का फैक्टर होता है, आप अगर रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हो तो आप मिडकैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट ना करें। और देखो, रिटर्न तो सबको ही लेते हैं, 13-12% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, लेकिन हाइयर रिटर्न आपको पाने के लिए मिडकैप और स्मॉल कैप का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आज मैं आपको मिडकैप म्यूचुअल फंड बताऊंगा, चार ऐसे बेस्ट मिडकैप म्यूचुअल फंड जो वाकई में इन्वेस्टर को खूब पैसा बना के दिए हैं और 2021 में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं यहाँ पे कौन से मिडकैप म्यूचुअल फंड को रखूंगा। देखो, हमेशा अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रिटर्न हमें देखने को मिला है। नंबर वन पे मैं एक्सिस मिडकैप म्यूचुअल फंड को रखूंगा। एक्सिस मिडकैप म्यूचुअल फंड का अगर हम SIP रिटर्न देखें, एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज रिटर्न है वो देख सकते हो 57% के ऊपर यहाँ पे दिया है। दो साल का अगर हम यहाँ पे SIP रिटर्न देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 31-32% के बीच में दिया है। तीन साल में अगर इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखें तो 23-24% का रिटर्न दिया है। और पाँच साल का अगर इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 18-19% का रिटर्न देखने को मिला है। देखो, मिडकैप म्यूचुअल फंड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको लेके चलना पड़ेगा। स्पेशली ऐसे म्यूचुअल फंड में आप 2 साल और 3 साल में कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं पा सकते और रिस्क का फैक्टर काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन जितना लॉन्ग ड्यूरेशन में जाओगे, ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कम से कम आपको 5 साल मिडकैप म्यूचुअल फंड में रहना ही रहना है। अगर इस म्यूचुअल फंड को हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है। अब इसका हम थोड़ा फंड एनालिसिस करते हैं कि वाकई में इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा है, रिटर्न के मामले में कैसा है। तो आपके सामने अगर रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई है। एग्जैक्टली, रिटर्न परफॉर्मेंस में हाई है। इट मींस कि जब मार्केट में तेज़ी देखा जाएगा तो ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करें, अगर हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो डाउनसाइड भी प्रोटेक्शन हाई है। इट मींस कि अगर मार्केट में गिरावट होगा, ऐसे म्यूचुअल फंड में कम गिरावट देखा जाएगा कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। मिड कैप के एवरेज में गिरावट होगा, उससे कम गिरावट देखने को मिलेगा। अगर इस म्यूचुअल फंड का हम कंसिस्टेंसी की बात करें रिटर्न जनरेट करने में, तो वो भी देख सकते हो आप, हाई है। तो वाकई में ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हो। चलिए, दूसरे नंबर पे वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो वाकई में मिड कैप कैटेगरी के अंदर 2021 के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे जगह दूंगा इन्वेस्टको इंडिया मिडकैप फंड का। अगर हम इसका SIP रिटर्न देखें, आपके सामने है 61-62% का रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न है एक साल का। दो साल के रिटर्न को देखें 32-33% के बीच में रिटर्न देखा गया है। वहीं पे तीन साल का अगर SIP रिटर्न देखो 21-22% का रिटर्न है। वहीं पे अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 17-18% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। देखो, मैं वैसे म्यूचुअल फंड को आपके सामने नहीं रखना चाहता जिसका एक साल में तो रिटर्न ऑलमोस्ट 40-50-60% का रिटर्न देखा जा रहा, लेकिन 2 साल और 3 साल का रिटर्न देखे तो सिर्फ 8-5%। वाकई में वैसे म्यूचुअल फंड में रिस्क का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन बिलो एवरेज होगा। तो वाकई में वैसे म्यूचुअल फंड को मैंने यहाँ पे जगह नहीं दिया। इन्वेस्टको इंडिया मिडकैप फंड का अगर हम फंड एनालिसिस करें, रिटर्न्स के मामले में आप देख सकते हो जो रिटर्न परफॉर्मेंस है वो अबव
एवरेज है, एग्जैक्टली एबव एवरेज है, इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है रिटर्न के मामले में। दूसरी बात करें डाउनसाइड प्रोटेक्शन, जो मैंने कि पहले बता दिया, गिरावट में यहाँ पे देखा जा सकता है, ये भी अगर गिरावट होगा तो ये कम गिरेगा अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि यहाँ पे एबव एवरेज डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। कंसिस्टेंसी के मामले में भी देख सकते हो एबव एवरेज है। चलिए तीसरे नंबर पे कौन से म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूंगा, एग्जैक्टली मैं डीएसपी मिडकैप म्यूचुअल फंड को आपके सामने रखूंगा। डीएसपी मिडकैप म्यूचुअल फंड का अगर हम एसआईपी रिटर्न देखें तो आपके सामने एक साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 58 से 59% का रिटर्न है, वहीं दो साल में आप देख सकते हो 31 से 32% का रिटर्न है, तीन साल में आप देख सकते हो 20 से 21% का रिटर्न है, और पाँच साल में ऑलमोस्ट 16 से 17% का रिटर्न है। ये एनुअलाइज रिटर्न है। अब रिटर्न तो आपने देख लिया, एग्जैक्टली ये 16 से 17% का आपको मिनिमम रिटर्न दे रहा है, मतलब डाउन साइड का जो मिनिमम रिटर्न है वो 16 से 17% का है। देखो ऐसे म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए आपको जाना पड़ेगा, मैं कभी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि 2 से 3 साल के लिए आप ऐसे म्यूचुअल फंड को जगह दो। अगर इस म्यूचुअल फंड का हम फंड एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो रिटर्न परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, और यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन वो भी अबव एवरेज है, इट मींस कि अगर मार्केट में तेजी हुआ तो अपने ये कैटेगरी एवरेज को बीट करता है। दूसरी बात, अगर गिरावट हुआ मार्केट में तो अपने कैटेगरी एवरेज में जितना गिरावट होता है उससे कम गिरावट ऐसे म्यूचुअल फंड में देखा जाता है। कंसिस्टेंसी के मामले में आप देख सकते हो एबव एवरेज है। ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी म्यूचुअल फंड में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, स्पेशली मिडकैप म्यूचुअल फंड, ये हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हैं। फोर्थ नंबर पे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे रखा हूँ PGIM इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड को। इस म्यूचुअल फंड का अगर हम SIP रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो एक साल में ऑलमोस्ट 92 से 93% का रिटर्न दिया है, दो साल के रिटर्न की बात करें 47 से 48% का है, तीन साल में ऑलमोस्ट 29 से 30% के करीब में रिटर्न देखने को मिल रहा है, और वही पाँच साल में आप देख सकते हो 18 से 19% का रिटर्न है। रिटर्न के मामले में ये सारे मिडकैप म्यूचुअल फंड को बीट कर रहा है, लेकिन फंड एनालिसिस हम देखते हैं इस म्यूचुअल फंड का। फंड एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि इसके रिटर्न में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। फ्लक्चुएशन मतलब इट मीन्स कि किसी साल आपको ये म्यूचुअल फंड 30 से 40% का रिटर्न देता है, तो किसी साल 5 से 6% का रिटर्न देता है। इट मीन्स कि फ्लक्चुएशन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये रिस्क के फैक्टर को इंक्रीज करता है। हालांकि अगर इसके रिटर्न्स परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी एबव एवरेज है, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें तो सिर्फ एवरेज है, एबव एवरेज नहीं है, सिर्फ एवरेज है। इन दो पॉइंट को कंसीडर करके इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड को चौथे नंबर पर रैंक दिया। तो यहाँ पे चार मैंने मिडकैप म्यूचुअल फंड आपको बता दिया, सिर्फ SIP रिटर्न को फोकस करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कौन कौन से हैं? एक्सिस मिडकैप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टको इंडिया मिडकैप फंड, DSP मिडकैप फंड और PGIM इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये चार मिडकैप फंड हैं जो 2021 में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए SIP के साथ चलते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ चलोगे, वाकई में कभी धोखा नहीं खाओगे, ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने आज आपको ये मिडकैप म्यूचुअल फंड बताया हूँ ये लाइफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न देगा। टाइम टू टाइम ऐसे म्यूचुअल फंड का आपको रिव्यू भी करना है, क्योंकि देखो कई बार होता क्या है, कोई एक म्यूचुअल फंड 3 साल 4 साल आपको अच्छा रिटर्न देता है, पाँचवें साल में कुछ ऐसे इंटरनल रीजन होते हैं, या कोई ऐसे स्टॉक सिलेक्शन में कोई गलती होती है, या फिर मैनेजमेंट टीम में कोई प्रॉब्लम होता है जिसके चलते गिरावट देखने को मिलता है। तो हमें टाइम टू टाइम फंड का रिव्यू करना पड़ेगा, और इन द केस किसी साल आपको लगता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड में अब जान नहीं है, कुछ त्रुटियां हैं, तो वैसे म्यूचुअल फंड से टाइम से पहले आपको निकल जाना चाहिए। चलिए इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।